नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। मंगलवार सुबह ही बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई थी कि रिजल्ट दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। जो छात्र सीबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वह रिजल्ट के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbserizult.nic.in या फिर सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इससे पहले सीबीएसई ने 31 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। 10वीं के रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने पहले 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन बाद में उसे टाल दिया गया। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि 31 जुलाई तक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित करेगा, लेकिन 31 जुलाई को बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था और 10वीं के रिजल्ट को टाला गया था, लेकिन आज सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। सीबीएसई के मुताबिक 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से अच्छा रहा। लड़कियों का पास परसेंटेज 99.28% दर्ज किया गया है, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 98.88% है। लड़कों के मुकाबले 0.35% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। सीबीएसई के अनुसार सबसे अच्छा रिजल्ट त्रिवेंद्रम जोन का रहा है, जहां पर 99.99% बच्चे पास हुए हैं। दूसरे नंबर पर 99.96% के साथ बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर 99.94% के साथ चेन्नई, चौथे नंबर पर 99.92% के साथ पुणे और पांचवें पर 99.88% के साथ अजमेर जॉन है। सीबीएसई ने बताया है कि कुल छात्रों में 2.76% यानी 57,824 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा 9.58% यानी 20,962 छात्र ऐसे हैं जिनको 90 में से 95% अंक मिले हैं। सीबीएसई के अनुसार दिल्ली के मुकाबले नोएडा क्षेत्र का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है। पूर्वी दिल्ली जोन का रिजल्ट 97.80% है, पश्चिमी दिल्ली का 98.74% है और नोएडा जोन का रिजल्ट 98.78% रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।